हेलो कैंसर, कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग योर अगस्त 2023। कैसा रहेगा आपका ये मंथ? एंड ये रीडिंग इज़ बेस्ड ऑन सन साइन और मून साइन। सो जिस साइन को भी आप बिलीव करते हो, आप उसके हिसाब से रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो हम पुल करेंगे आपके लिए 6 कार्ड्स। पहला कार्ड होगा फॉर योर चेंज, देन सेकेंड इज़ फॉर योर चैलेंज, थर्ड फॉर योर ब्लेसिंग, फोर्थ फॉर योर लव, देन करियर एंड देन हेल्थ। ओके, चलिए देखते हैं कैंसर्स कि आपके लिए कैसा रहेगा मंथ ऑफ अगस्त। सो ये कार्ड, पहला कार्ड रहेगा आपके लिए आपके चेंज का, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड इज़ फॉर योर चैलेंज, विच इज़ दी हैंगमैन। थर्ड कार्ड इज़ फॉर योर ब्लेसिंग, क्वीन ऑफ कप्स। देन फोर्थ कार्ड फॉर योर लव लाइफ, वी हैव किंग ऑफ कप्स। देन फिफ्थ कार्ड वी हैव इज़ फॉर योर करियर, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देन लास्ट कार्ड इज़ फॉर योर हेल्थ, द स्टार कार्ड। किंग्स एंड क्वींस के बहुत सारे कार्ड आए हैं आपके लिए। सो वेरी ब्यूटिफुल मंथ फॉर यू कैंसर। काफ़ी अच्छा महीना है आपका अगस्त का। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लिए फॉर फर्स्ट कार्ड, विच इज़ योर चेंज इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कार्ड आया है। बहुत ही सुंदर चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में कैंसर्स। सबसे पहले तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट की अगर बात करी जाए तो फाइनेंशियली भी बहुत ब्यूटिफुल चेंज आ रहा है आपके। फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हो। प्लस यहाँ पे मुझे आपका जो इंट्यूशन लेवल है ना, वो बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है कि आप इंट्यूटिवली आप बहुत ग्रो कर रहे हो इस मंथ। एंड आपकी लाइफ में ग्राउंडिंग और स्टेबिलिटी आ रही है। जैसे कि बहुत टाइम से अगर बहुत ज़्यादा मैसीनेस थी, उथल पुथल थी, इट वॉज लाइक अ डायरेक्शनलेस लाइफ चल रही थी आपकी, तो एक डायरेक्शन आ रहा है लाइफ में, एक स्टेबिलिटी आ रही है, ग्राउंडेडनेस आ रही है, और अपने आप को बहुत टाइम बाद एक पीसफुल महसूस करोगे एज अ पर्सन, राइट? एंड इस मंथ ना आप अपना ध्यान भी बहुत रखने वाले हो। आई गेस कि ये जो चेंज आ रहा है, ये आप खुद लेके आ रहे हो, या मुझे सेल्फ केयर दिख रहा है कि आप खुद को चूज़ कर रहे हो, अपनी डाइट को चूज़ कर रहे हो, राइट? अपने आप को चूज़ कर रहे हो, अपने आप को कैसे ग्रो करना है उस चीज़ को चूज़ कर रहे हो। एंड यू आर टोटली साइकिक दिस मंथ। इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो अपने इंट्यूशन पे, कि आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, राइट? एंड यहाँ पे आपके अंदर एक बहुत एक स्ट्रांग पर्सनालिटी छुपी हुई है, वो बाहर आ रही है। सो आप अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, अपने आप को एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन के रूप में, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ग्राउंडेड है, मजबूत है। वो पर्सन जो है आपके आपकी पर्सनालिटी में, वो रिफ्लेक्ट होगा वो पर्सन, जस्ट लाइक दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी। और आप काफ़ी टाइम स्पेंड करने वाले हो अपना इन दी नेचर, के आप यू विल लाइक टू स्पेंड टाइम इन नेचर दिस मंथ कैंसर्स। ओके, सो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे इस मंथ। ग्रोथ रहेगी आपकी इस मंथ, एक बहुत डल एनर्जी नहीं रहेगी। देन वी हैव दी हैंग मैन एज दी चैलेंज कार्ड। कॉन्ट्ररी टू क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हैंग मैन दिखा रहा है एक स्टकनेस को, राइट? लेकिन ये जो स्टकनेस है ना, ये एक बहुत ही टेम्प्ररी स्टकनेस है, जो कि जिसका सल्यूशन आपके पास होगा, बट समहाउ आप कुछ चीज़ों को लेके आप डीले कर सकते हो, राइट? इट्स लाइक कि सोचोगे बहुत कुछ चीज़ों को लेके। एक्शन, जितना आप एक्शन लोगे ना इस मंथ, उतना ज़्यादा आपकी चीज़ें जो है वो पॉजिटिवली डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। जहाँ आप स्टक हो गए, जहाँ आप सोचने बैठ गए, जहाँ आपने टाइम लगा दिया डिसीजन लेने में, वहीं आप अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो मिस कर जाओगे। सो मेक श्योर कि आप सोचो, आप समझो, राइट? दैट्स फाइन, आप पेशेंस रखो, बट इतना भी पेशेंस ना रखो, इतना भी टाइम वेस्ट ना करो कि आप जो है वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए। सो अपना अप्रोच जो है इस मंथ थोड़ा सा क्विक रखना, अपने आप को स्टक जो है वो कम से कम महसूस होने देना, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये आपके माइंड में ही है बस, राइट? आपको मतलब कि जितना आपने अभी तक जो टाइम निकाला है, या आपका जो टाइम इतना वेस्ट हुआ है अभी तक, वो एक फेज था जिसने आपको कुछ भी नहीं दिया लाइफ में, लेकिन अब
ये सोच के चलना अगस्त में कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको फटाफट चीजें जो है वो खत्म करनी है, आपको जो लाइफ में फटाफट आगे बढ़ना है, राइट? सो जितना कम स्टक रहोगे उतना ही ज्यादा ग्रो करोगे अपनी लाइफ में इन दी मंथ ऑफ अगस्त। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। और हाँ, जो चीजें आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रही हैं, जहां आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो, रास्ता आपके हाथ में है ही नहीं, तो वो चीजें आप सरेंडर कर सकते हो डिवाइन के ऊपर, वहां सरेंडर करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं आपके ब्लेसिंग की, जो कि आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। सो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अगेन एक क्वीन का कार्ड आया है आपके लिए, जो कि दिखा रहा है कि आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी इस मंथ। अगर कुछ लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज थे आपके, तो वो हील हो रहे हैं। वाटर एलिमेंट आपको काफ़ी हील करता है, इट मीन्स कि वाटर से जुड़ी हुई चीज़ों के आसपास रहना, या फिर पानी अच्छा पीना, पानी में कमी ना रखना, राइट? सॉल्ट वाटर बाथ, ये सब आपके को काफ़ी हील कर सकते हैं इस मंथ। प्लस दोज ऑफ हुआ वेटिंग फॉर द प्रेगनेंसी न्यूज़, उनके लिए भी गुड न्यूज़ आ रही है, जो मैरिड है प्रेगनेंट होने का वेट कर रहे हैं, तो इस मंथ वो गुड न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। इस मंथ जो है आपका अप्रोच रहेगा गो विद द फ्लो का, कि जैसे लाइफ चल रही है वैसे चलो, और टेंशन मत लो ज़्यादा, राइट? तो आप टेंशन कम ले रहे हो, अपना काम ज़्यादा कर रहे हो, तो टेंशन फ्री रह रहे हो आप इस मंथ। ग्रोथ है, अबंडेंस है आपके लिए, एंड सपोर्ट भी है आपके आसपास के लोगों का आपके लिए। एंड एक बहुत ही इमोशनल मेच्योर्ड पर्सन आपके अंदर होगा। अभी तक आप काफ़ी ज़्यादा लो इमोशंस में वाइब्रेट कर रहे थे, बट अब जो है आपका इमोशनल लेवल जो है काफ़ी हाई रहेगा। आप जो है काफ़ी अपने आप को इमोशनली स्टेबल पर्सन पाओगे। आप बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करोगे किसी चीज़ को लेके, बहुत जल्दी परेशान नहीं होगे, रिएक्ट नहीं करोगे, ओवर सेंसिटिव नहीं होगे। बहुत ही एक इमोशनली मेच्योर्ड पर्सन की तरह आप बिहेव करोगे, जैसे लाइक क्वीन ऑफ कप्स। हेल्पफुल रहोगे आप आसपास के लोगों के लिए। आप इस मंथ चैरिटी वगैरह भी कर सकते हो, कि आपको आपका मन करे कि आप चैरिटी करो, किसी की हेल्प करो किसी ना किसी फॉर्म में, तो आपका आपके अंदर से वो हीलिंग वाइब्स अपने आप आ रही हैं, कि कोई ना कोई अगर किसी को आपकी हेल्प चाहिए तो आप उस पर्सन की हेल्प करते हुए नजर आ रहे हो, या फिर आपको डिवाइन इतना केपेबल बना रहे हैं इस मंथ कि आप दूसरों की ये मदद कर सको। सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, आपका ऑरा काफ़ी पॉजिटिव रहेगा इस मंथ कैंसर्स। देन टॉक अबाउट योर लव लाइफ, तो वी हैव किंग ऑफ कप, जो कि अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, जो कि दिखा रहा है इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को। सो काफ़ी इमोशनल बॉन्ड रहेगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में। भले ही आपका लॉन्ग डिस्टेंस भी कनेक्शन हो सकता है इस मंथ, भले ही आप इतना अपने पार्टनर से मिल नहीं पाओ इस मंथ, बट स्टिल आपका जो प्यार है वो फिर भी उतना ही रहेगा अपने पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर का प्यार भी उतना ही रहेगा। काफ़ी इमोशनल लविंग टॉक्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में इस मंथ। मे बी इस मंथ कोई पर्सन है जो आपको स्टॉक भी कर सकते हैं, वो आपको आपको सीक्रेटली लाइक करते हो, आपके ऊपर उनका क्रश हो, तो आपको स्टॉक कर सकते हैं और आपको उनके बारे में मालूम चल सकता है, राइट? एंड एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप रहेगा आपके और आपके पार्टनर के बीच का। आपकी लव लाइफ काफ़ी स्मूथ चलेगी इस मंथ, राइट? भले ही इतनी बातें ना करो इस मंथ, लेकिन वो अंदर से वो वाइब आएंगे कि हाँ, मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है, एंड वेर एवर यू नीड दैट पर्सन सपोर्ट, तो आपको सपोर्ट करेंगे वो हमेशा, राइट? एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर लाइफ। करियर के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगेन यहाँ पे दिखा रहा है एक बहुत ही एनर्जेटिक कार्ड, क्योंकि एक पर्सन जो प्लानिंग कर रहा है अपने फ्यूचर के लिए, तो इस मंथ आप काफ़ी ज़्यादा प्लान करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए आप वर्क कर रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हो, मे बी आप कोई प्लान कर रहे हो बाहर जाने का, आउट ऑफ कंट्री का कोई प्लान है आपका, आपको ट्रैवल करना है वहाँ, तो वहाँ के लिए आप कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हो अपने अपने साइड से। और यहाँ पे मुझे एक करियर वाइज भी आप जो है एक प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हो अपने सिचुएशन के लिए। एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना कोई गोल है लाइफ में, कि मुझे ना ये अचीव करनी है चीज़, राइट? अब उसको अचीव कैसे करना है, वो आप उसका पूरा ब्लूप्रिंट रेडी कर रहे हो कि ये मुझे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है, तो आपका ये मुझे कोर्सेस करने हैं, तो आप वो चीज़ कर रहे हो इसमें, राइट? सो आपका ना अप्रोच काफ़ी एक्शन वाला रहेगा अपने करियर को लेकर, कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ पढ़ना है, कुछ ना कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है लाइफ में। तो एक अलग सी एनर्जी होगी कि ना मुझे अपने आप को अब करियर वाइज मुझे अपने आप को ग्रो करना है, आगे बढ़ाना है, तो
तो लव लाइफ आपकी अच्छी चल रही है, आपकी हेल्थ अच्छी है, राइट, आपके सब कुछ सही चल रहा है, तो करियर वाइज अपने आप वो मोटिवेशन आ रहा है आपके अंदर से। आपके अंदर जो एक डिटर्मिनेशन है, जो एक आग है ना, आप उसको एकदम सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर रहे हो। प्लस यहाँ पे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन भी है और आपका जॉब सिलेक्शन भी है, एग्जाम सिलेक्शन भी है। सो करियर वाइज ओवरऑल वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू कैंसर्स। तो यहाँ पे एक रिस्पेक्ट आ रही है, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो कि दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या कुछ ऐसा काम आप करने वाले हो जिससे कि आपकी रिस्पेक्ट, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ेगी आपकी वजह से। सो वेरी पॉजिटिव, वेरी मोटिवेटिंग कार्ड फॉर द करियर लाइफ कैंसर्स। एंड लास्ट कार्ड वी हैव इज फॉर योर हेल्थ, विच इज द स्टार कार्ड, अगेन अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। अगर आप बहुत टाइम से परेशान हो रिगार्डिंग योर हेल्थ, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप सही हो जाओ, तो इस मंथ आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तीनों सेंस में आप काफी अपने आप को पॉजिटिव और अच्छा फील करोगे, राइट। आपकी मैनिफेस्टेशन रिगार्डिंग योर हेल्थ इश्यूज जो है वो पूरी होने वाली है। अगेन अभी वाटर एलिमेंट आया है, विच इज शोइंग जितना आप इस मंथ पानी पियोगे, अपने आप को वाटर एलिमेंट से कनेक्ट रखोगे, हीलिंग फॉर्म में रहोगे जितना इस मंथ, उतना ही जल्दी आप अच्छा महसूस करोगे अपने आप को, एक अलग सी एनर्जी आपके अंदर फील होगी, राइट। आपके लिए इस मंथ रात को स्टार गेजिंग करना इट विल बी गुड, कि आप रात को बैठे हो तो आप नो जस्ट स्टार्स को देख रहे हो, तो आपको एक अलग उनसे एक अच्छी वाइब्स आएगी स्टार्स से, ओके। एंड इस मंथ जितना आप गुस्सा कम करोगे, जितना आप शांत रहोगे अपने आप को कि आप शांत रह रहे हो, फालतू के से उलझ नहीं रहे हो, अपना मेंटल पीस खराब नहीं कर रहे हो, उतना ही ये मंथ जो है आपको और हीलिंग देगा। तो ना आपको नेगेटिव सोचना है, ना आपको नेगेटिव बोलना है इस मंथ, ओके। चलिए और देख लेते हैं कार्ड आपके लिए कैंसर फॉर ऑगस्ट। ओके कैंसर्स, फर्स्ट वी हैव इज अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन। सो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है, स्टबर्न है, एग्रेसिव है, तो यहाँ पे जो आपके लिए कप्स के जो कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, स्टार कार्ड, वो यही दिखा रहे हैं कि आपको ऐसे पर्सन को रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है, राइट। अगर कोई आपको गुस्सा दिला भी रहा है ना इस मंथ, कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया, आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना, आपको इग्नोर करना है, बिकॉज ये मंथ आपको अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान देना है। तो जस्ट डोंट रिस्पॉन्ड टू नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ। बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑफकोर्स यहाँ पे दिखा रहा है कि एक डिटरमाइंड पर्सन जो लाइफ में ग्रो कर रहा है, राइट। आप ग्रो करोगे, लेकिन आपको अपने अंदर वो प्राइड नहीं लानी है कि या मैंने तो अचीव कर लिया, मैंने तो ये चीज कर ली, मैंने तो वो कर लिया, वो आपको शो ऑफ नहीं करना है इस मंथ। आपको अपनी सक्सेस को बहुत ही हम्बल और ग्राउंडेड लेवल पे रखना है। देन वी हैव मेजर चैलेंज टू ओवरकम। आपके जो किंग और क्वींस के जो कार्ड आए हैं वो यही दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ का जो मेजर चैलेंज चल रहा है अभी इस टाइम लाइफ में, आप उसको ओवरकम कर जाओगे, बिकॉज आपके लिए सारे कार्ड ही इतने हाई लेवल के कार्ड आए हैं, तो आप इजीली अपने जो भी आपके लाइफ का चैलेंज चल रहा है ना, उसको आप खत्म कर दोगे इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। देन वी हैव डॉल्फिन। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। सो अपने पास्ट में जो मेहनत करी है, जो हार्डवर्क करा है, उस वजह से आपको फाइनेंशियल गेन जो है वो इस महीने हो सकता है। सो काफ़ी सारा फाइनेंशियल गेन आ रहा है आपके लिए इस मंथ, मनी वाइज वो अच्छा कार्ड आया है। एडवाइस देख लेते हैं कैंसर आपके लिए। सो वी हैव रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। सो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो, आप इस चैलेंज को ओवरकम करके जहां आप पहुंचना चाह रहे थे जिंदगी में, एक्चुअली में आप वहां पे रीच कर रहे हो। देन जॉय एंड लाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। तो एक गुड न्यूज भी आ रही है, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज सुनने को मिलेगी जहां पे आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे उस न्यूज को सुन के, आप हैप्पी फील करोगे, आपका दिल जो है वो काफी हैप्पी हो जाएगा उस न्यूज को सुनने के बाद, ओके। सो कैंसर्स, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।